तो हेलो गाइस, ये है सैमसंग का गैलेक्सी F22 जो कि 6GB रैम 128GB इंटरनल आता है। ये अपने कम प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स ये फोन देता है। ये लोकल मार्केट से मुझे ये 10,500 रुपए का पड़ा है। अगर ऑनलाइन प्राइस देखा जाए तो इसको ऑनलाइन प्राइस आपको 13,500 के समथिंग देखने को मिलता है। ये जीबी आपको 10,500 में आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं बॉक्स से। बॉक्स में आके जैसे देख सकते हैं सैमसंग का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं मिलता एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको गैलेक्सी F22 का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। पीछे की बात करें तो पीछे में कुछ हाईलाइट मेंशन दिए गए हैं एंड काफी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं सैमसंग गैलेक्सी F22 जो कि आपको 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले देता है, 48MP क्वाड कैमरा एंड 6000mAh की बैटरी जो कि आपको 50W फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है। डिस्प्ले साइज के बारे में कुछ दिया गया है एंड फ्रंट आपको 13MP का सपोर्ट देखने को मिलता है। चलिए फटाफट बॉक्स करते हैं ओपन और देखते हैं फोन की क्या है क्वालिटी। तो बॉक्स ऊपर रखा है ये हमारा प्यारा सा फोन, जैसा कि देख सकते हैं काफी अपने ब्लू कलर के डिजाइन में आता है एंड काफी अच्छा खासा साइनिंग बैग इसमें देखने को मिलता है। रखते हैं इसको साइड में। पोर्ट का चार्जर इनको भी रखते हैं साइड में। टाइप सी चार्जर केबल इन सबको रखते हैं साइड में। बढ़ते हैं फोन की तरफ। तो गाइस ये रहा हमारा सैमसंग का F22 जो कि काफी ज्यादा फोन देखने में प्यारा लग रहा है एंड डिजाइन बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए जो बिल्ड क्वालिटी आपको ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है एंड फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। सामने आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। साइड फ्रेम में देखा जाए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर एंड ऊपर का सरफेस में आपको देखा है नॉइस कैंसिलिंग माइक जो काफी ज्यादा अच्छा है एंड लेफ्ट में आपको देखा जाए तो सिम एडजस्टर पिन एंड नीचे की बात की जाए इसमें आपको 3.5mm जैक, माइक, टाइप सी चार्जर एंड स्पीकर ग्रिल। काफी ज्यादा फोन डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है एंड कैमरा बैम भी आपको देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा खासा कैमरा यूज किया गया। इसमें आपको 48MP क्वाड कैमरा यूज किया गया है विद फ्लैश के साथ आता है। कैमरा क्वालिटी के बारे में जाने चलिए फटाफट करते हैं फोन को हम लोग बूट। तो गाइस फोन हो गया हमारा बूट और फोन देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। डिस्प्ले देखा जाए डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर डिस्प्ले साइज की बात की जाए डिस्प्ले साइज 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि आपको 90Hz का रिफ्रेश पैनल सपोर्ट करता है जो कि फोन को काफी ज्यादा स्मूथ बनाता है एंड ब्राइटनेस की बात की जिसमें आपको ब्राइटनेस 600 निट्स का ब्राइटनेस सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपको डेली यूज में कोई भी दिक्कत नहीं है कि डे एंड नाइट यूज में कोई भी दिक्कत का सामना देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस फोन की रेवोल्यूशन की बात करें इसमें रेवोल्यूशन आपको 720p का रेवोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो का सपोर्ट देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी में ये फोन काफी ज्यादा लाजवाब फोन है एंड एफ सीरीज का सैमसंग का फोन काफी ज्यादा मुझे पसंद आता है और ये भी फोन काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का फोन है। आपको 10,500 के अंदर सुपर एमोलेड ऐसे डिस्प्ले देखने को मिलते हैं एंड 90Hz का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। डिस्प्ले में ही काफी ज्यादा परफॉर्मेंसदार डिस्प्ले है। तो गाइस अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की इसमें आपको परफॉर्मेंस में देखा जाए चिपसेट आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 गेमिंग प्रोसेसर लगा जो काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है इस कम प्राइस रेंज के हिसाब से एंड सीपीयू आपको ऑक्टाकोर का सीपीयू देखने को मिलता है जो कि आपको 2.0 GHz पे क्लॉक किया गया जो कि फोन की स्पीड को काफी ज्यादा अच्छे से मेंटेन रखेगा एंड गेमिंग का परफॉर्मेंस आप अच्छे से आनंद उठा पाएंगे। जीपीयू में आपको माली का G52 का MC2 का चिपसेट देखने को मिलता है। अगर एंड्रॉइड की बात की जाए एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। इन व्यूज आपको 30M40 का अपडेट मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। सैमसंग अपने सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है एंड अगर यूआई की बात की जाए आप जहां से देख सकते हैं 1 UI Core Version 4.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। काफी ज्यादा अच्छा यूआई नीट एंड क्लीन यूआई आपको देखने को मिलता है। कोई भी बग जैसे प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर रैम वेरिएंट की बात करें तो आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल देखने को मिलता है एंड 4GB रैम 64GB इंटरनल देखने को मिलता है। तो गाइस अगर इसके कैमरे की बात की जो कैमरा भी इसका हाईलाइट काफी अच्छा फीचर है। इसमें आपको क्वाड कैमरा लगा जो कि आपको 48 मेगापिक्सल का +8+2+2 का कैमरा देखने को मिलता है। 2+2 मेरे कोई काम के कैमरे नहीं होते फिर भी आपको देखा जाए काफी ज्यादा अच्छा खासा कैमरा यूज करने को मिलता है एंड काफी बड़े बड़े छोटे छोटे कैमरा वन सेंसर दोनों देखने को मिलते हैं। आपको कैमरे के साथ एक LED फ्लैश देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात की तो फ्रंट कैमरा आपको 13MP का फ्रंट कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कुछ कैमरा सैंपल। तो गाइस अगर कैमरे सैंपल की देखा जाए तो जो 48MP कैमरा सेंसर लगा वो काफी ज्यादा अच्छे खासा फोटो देख रहा है एंड काफी ज्यादा अच्छे से डिटेलिंग को मैच कर रहा है एंड लाइटनिंग की काफी ज्यादा अच्छी खासी इफेक्ट आ रही है इसमें। आप शैडो जैसे ट्रैकिंग को भी आप अच्छे से इनेबल कर पा के देख सकते हैं। 48MP मुझे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है एंड आप इसमें एक्स्ट्रा मोड में भी देख सकते हैं काफी ज्यादा कस्टमाइज जैसे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नाइट, माइक्रो, स्लो मोशन, फूड, पैरानोमा एंड प्रो जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वीडियो सपोर्ट में देखा जाए तो वीडियो सपोर्ट में काफी ज्यादा अच्छा खासा है इसमें आपको वीडियो सपोर्ट भी काफी अच्छे खासे रिकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। HD प्लस फुल HD आपको 30fps पे देखने को मिलता है। वीडियो के यहाँ पे मेरे हिसाब से 60fps तक होना चाहिए था। इस कोई भी दिक्कत नहीं इस प्राइस में ये भी फोन ठीक ही ठाक है एंड वीडियो क्वालिटी भी अच्छी खासी है इसमें। बात करते हैं फ्रंट में आपको 13MP कैमरा देखने को मिलता है एंड फ्रंट रिकॉर्डिंग में भी आपको फ्रंट रिकॉर्डिंग में फुल HD प्लस HD का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपको 30fps पे सपोर्ट करता है। ये भी ठीक एवरेज ठीक है। तो गाइस सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी जो है बैटरी जो कि ये आपको 6000mAh की बैटरी आती है जो कि आपको 18W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है एंड काफी ज्यादा अच्छा खासा इस प्राइस रेंज में आपको 10,500 के अंदर 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले जैसे ऑप्शन आपको मिलते हैं काफी ज्यादा अच्छा है। बैटरी के मामले में ये फोन काफी ज्यादा सैमसंग की बैटरी काफी ज्यादा यूजफुल होती है और डे लाइफ में आप काफी ज्यादा
हेल्पफुल करेगी। तो गाइस अगर इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की, इसमें आपको डुअल सिम का 4G सपोर्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, इसमें आप पहले एंड सेकंड में दूसरे में दोनों में 4G लगा सकते हैं। एंड आप एक्सटेंडेड आपको 512 GB एंड 1 TB तक आप इसको एक्सपेंड करके मेमोरी कार्ड भी बढ़ा सकते हैं। ब्लूटूथ की बात की, इसमें ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। वाईफाई की बात की, इसमें 2 GB and 5 GB दोनों ही सपोर्ट देखने को मिलता है। और तो इस फोन में अगर बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी की बात की, तो सैमसंग अपने सिक्योरिटी में काफी ज्यादा अच्छा खड़ा उतरता है। वो सिक्योरिटी के मामले में हमेशा फोन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इसमें अब जो सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, वो आपको रेगुलर कम से कम 4 ईयर्स का रेगुलर अपडेट देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी अपडेट देख सकते हैं जो कि 1 अप्रैल 2022 का अपडेट है। एंड इसमें सिक्योरिटी में आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सेंसर एंड AI का फेस लॉक देखने को मिलता है, जो कि फोन को आपको इंस्टा अनलॉक करने में मदद करेगा। और कलर की बात है, इसमें दो ही कलर आपको देखने को मिलते हैं, डेमन ब्लैक एंड डेमन ब्लू। मेरे पास ये ब्लू कलर है, जो कि 6 GB RAM 128 GB इंटरनल के साथ ये फोन आता है। एंड अगर प्राइस बात की तो लोकल मार्केट मैंने इसको 10,500 रुपए में फोन खरीदा है। ऑनलाइन मार्केट में देखेंगे तो आपको ये 13,500 का ये फोन देखने को मिलता है। अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो गाइस, मेरे ओपिनियन से फोन तो ठीक ही ठाक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बैटरी मुझे भी ठीक लगी एंड डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। कैमरे क्वालिटी में फोन मुझे अच्छा नहीं लगा है, कैमरा क्वालिटी में थोड़ा मेरे को दिक्कत लगा। एंड बैटरी में देखा जाए तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था चार्जर सपोर्ट में, जो कि आपको 15 वाट का चार्जर सपोर्ट देखने को मिलता है। सैमसंग अपने चार्जर को सपोर्ट में बहुत कम ही रखता है, पता नहीं क्यों ऐसा वो करता है, पर मेरे हिसाब से चार्जर को इसको बढ़ाना चाहिए। एंड जो कलर क्वालिटी है वो भी ठीक ही ठाक है। प्लस में आपको जो ये फोन बहुत ज्यादा बल्कि फोन है एंड काफी ज्यादा मोटा है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो फोन ठीक ही ठाक है। अगर आपको ये फोन पसंद आया होगा तो प्लीज फोन को अगर लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां जाकर बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये फोन कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर बताइए, उससे मुझे पता चलेगा ये फोन कैसा है। मेरे ओपिनियन एंड आपके ओपिनियन दोनों ही इस फोन में पता चलेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।